गुड इवनिंग। हाँ जी, इसका देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेल्यूएट आई की पावर 18 आई की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आई की होल पावर 25 1 अपॉन आई की होल पावर 25 और इसकी पूरी की पावर 3। ये हो गया। तो जब भी आई की बड़ी बड़ी पावर्स होती है तो हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम कैसे करेंगे, जैसे ये 18 है, मैं देखूंगा कि इसमें 4 के कितने मल्टीपल्स हैं, 4 से किस तरीके से ये डिवाइड हो सकता है। 4 तो 16, उससे जस्ट छोटा नंबर है। अगर 4 5 20 हुआ तो बड़ा हो जाएगा। मैं इसको देखूंगा 4 4 16, आई की पावर 4 × 4 प्लस 2, 16 + 2 = 18 हो गया ऐसे, प्लस 1 अपॉन आई की पावर 25 है, तो इसका मतलब 1 की पावर 25 अपॉन आई की पावर 25 और इसकी होल पावर 3। उसके बाद आई की पावर 4 × 4 है, तो इसको तो अलग कर दो, आई की पावर 4 × 4 मल्टीप्लाई बाई आई की पावर 2। इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती है। इसका मतलब पावर अगर ऐड हुई है तो उनको मैं स्प्लिट करके मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकता हूँ कि आई की पावर 4 × 4 अलग और आई की पावर 2 अलग मल्टीप्लाई करके, ठीक है। प्लस 1 की पावर 25 का मतलब 1 की पावर कुछ भी करो, ठीक है, वो हमेशा 1 ही रहता है, तो ये 1 हो गया। ऐसे ही ये जो आई की पावर 25 है, इसको फिर 4 के मल्टीपल्स चेक करो, 4 6 24 होता है, 25 से जस्ट छोटा। मैं लिखूंगा आई की पावर 4 × 6 हो जाएगा 24 और प्लस 1, ये हो गया, और होल पावर 3। आई की पावर 4 × 4 को क्या लिखेंगे, आई की पावर 4 की पावर 4। अगर पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, उसका उल्टा अगर पावर मल्टीप्लाई हो रही है यानी कि पावर की पावर में कन्वर्ट करो उसको, आई की पावर 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई आई स्क्वायर कितना है -1, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, प्लस 1 अपॉन आई की पावर 4 की पावर 6, ऐसे लिखो आई की पावर 4 की पावर 6 और इंटू आई की पावर 1। मैंने शॉर्टकट ले लिया, आई की पावर 4 × 6 को अलग कर दिया और आई की पावर 1 को अलग कर दिया, समझ गए ना, और होल पावर हो गई 3। उसके बाद देखिए पूरी आई की पावर 4 का मतलब होता है 1, तो 1 की पावर 4 करोगे तो भी बनी -1 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 4 का मतलब 1, तो 1 की पावर 6 और आई की पावर 1 का मतलब आई है ना, और पावर में हो गया 3। अब हम कभी भी ये नहीं चाहते कि डिनोमिनेटर वाली टर्म जो है उसमें आई आए, तो डिनोमिनेटर में अगर आई आ रहा है तो उसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, आई से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, आई से ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई। तो क्या करना होगा, 1 की पावर 4 मतलब 1, 1 × -1 = -1, तो ये हो गया -1 प्लस 1 की पावर 6 का मतलब 1 है, 1 अपॉन आई का मतलब है कि आपने ऊपर भी आई से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी आई से मल्टीप्लाई कर दिया की पावर 3। यहाँ पर -1 प्लस आई अपॉन आई स्क्वायर की पावर 3, आई स्क्वायर कितना होता है -1 प्लस आई अपॉन -1 की होल पावर 3। अगर किसी भी टर्म को नेगेटिव से -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी माइनस का ही हो जाएगा। तो ये हो गया -1 - i की होल पावर 3। अब समझिएगा, अगर हमारे पास कभी भी ऐसा टर्म आता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, a² + b² + 2ab। अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा टर्म आता है -a - b का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर ही ले लिया -1 कॉमन, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, a + b का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर इंटू a + b का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया,
ठीक, माइनस वन का स्क्वायर हो गया प्लस वन और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको फिर नॉर्मली ऐसे एक्सपेंड कर दिया जाएगा। ऐसा ही कुछ यहाँ पर है, होल क्यूब दे रखा है यहाँ पर, तो ये भी नेगेटिव वाला टर्म है, ये भी नेगेटिव वाला टर्म है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर ही माइनस वन कॉमन ले लो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए, ब्रैकेट के अंदर मैंने माइनस वन कॉमन ले लिया, तो ये माइनस वन क्या बन जाएगा प्लस वन, ये माइनस आई क्या बन जाएगा प्लस आई का होल क्यूब, माइनस वन का क्यूब इंटू वन प्लस आई का क्यूब। माइनस वन का क्यूब इंटू वन प्लस आई का क्यूब, माइनस वन का क्यूब क्या हो गया माइनस वन, और वन प्लस आई का होल क्यूब क्या हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, या दूसरा फॉर्मूला आपने ये कर रखा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, वो भी ठीक है। ठीक है, तो वन का क्यूब प्लस आई का क्यूब प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, तो थ्री ए बी स्क्वायर मतलब थ्री इंटू वन इंटू आई स्क्वायर, थ्री इंटू वन इंटू आई स्क्वायर और प्लस थ्री इंटू वन स्क्वायर इंटू आई, ये हो गया माइनस वन, वन का क्यूब क्या हो गया वन, और आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आई, आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आई, और ये हो गया थ्री इंटू वन इज थ्री, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन। ठीक है, और वन स्क्वायर कितना होता है वन, वन इंटू थ्री थ्री, थ्री आई हो गया बस का थ्री आई हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ये माइनस वन का ऐसे जैसे, अच्छा ये समझ में आ गया, माइनस वन का क्यूब माइनस वन होता है, माइनस वन का क्यूब माइनस वन, माइनस वन लिख दी प्लस माइनस आई, प्लस माइनस माइनस आई, थ्री इंटू माइनस वन इज माइनस थ्री और प्लस का थ्री आई, माइनस वन, वन माइनस थ्री इज माइनस टू, माइनस आई प्लस थ्री आई क्या हो गया प्लस का टू आई, और माइनस वन को अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये हो गया टू माइनस टू आई, ये इसका फाइनल आंसर, समझ गए। ठीक है, ऑनलाइन बताएं बेटा पावनी शोर क्लियर है इतना, यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर टू, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 प्रूव दैट r e z1 z2 इज इक्वल टू r e z1 into r e z2 माइनस i m z1 into i m z2, r e का मतलब होता है रियल पार्ट और i m का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो अभी बताता हूँ ये क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा, हमें उन्होंने बोला फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 तो लेट द let the two complex numbers be पहला complex number उन्होंने z1 बोला और दूसरा उन्होंने z2 बोला, तो z1 को मान लो a plus ib और z2 को मान लो c plus id, तो let the two complex number be z1 is equal to a plus ib and z2 is equal to c plus id, तो ये हमारे पास दो complex number हैं Z1 और Z2। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इनटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ये चीज प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मुझे निकालना है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, तो पहले Z1 Z2 निकालो, उन्होंने बोला ना इस क्वेश्चन में
फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, तो z1 को मैं कुछ मान सकता हूँ और z2 को मैं कुछ मान सकता हूँ, तो मैंने z1 को a प्लस आई बी मान लिया और z2 को c प्लस आई डी मान लिया, तो z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो गया a प्लस आई बी मल्टीप्लाई बाई c प्लस आई डी, एक्सपैंड करिए नॉर्मली जैसे करते हैं a इंटू c ए सी ए इंटू आई डी, ये क्या हो जाएगा आई आई ए डी, फिर आई बी इंटू सी ये क्या हो जाएगा प्लस आई बी सी, फिर आई बी इंटू आई डी ये क्या हो जाएगा प्लस का आई स्क्वायर बी डी, तो ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस वन इंटू बी डी, तो इसमें आई वाले टर्म्स को अलग रख लेते हैं और जो नॉर्मल टर्म्स होते हैं उनको अलग रख लेते हैं, माइनस वन इंटू बी डी हो गया माइनस बी डी, ये हो गया ए सी माइनस बी डी प्लस आई, और ब्रैकेट में लिखिए ए डी प्लस बी सी, ठीक है, ठीक है, जेड वन जेड टू आ गया, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू, देखिए जिसमें आई मल्टीप्लाई हो रहा है उसको तो बोल देते हैं इमेजिनरी पार्ट, और जिसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा जो नॉर्मली लिखा हुआ है उसको बोलते हैं रियल पार्ट, और इसका जेड वन जेड टू का रियल पार्ट क्या हो गया ए सी माइनस बी डी is equal to AC minus BD. उसके बाद RHS, RHS में आपको क्या लिखना है, real part of Z1 into real part of Z2 minus imaginary part of Z1 into imaginary part of Z2. तो real part of Z1, Z1 का real part क्या है A, यहाँ लिखिएगा A, और Z2 का real part क्या है C, यहाँ लिखिएगा C, माइनस Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या आई में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर B, तो B, और Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है यानी कि आई में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है D, तो AC माइनस BD, यहाँ पर भी हमारा रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 ये भी AC माइनस BD आ गया और ये भी AC माइनस BD आ गया, तो RHS इज इक्वल टू RHS एंड स्क्वायर रूट, हमें यही प्रूव करना था यहाँ पर। अब अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर थ्री, थर्ड में देखिए क्या बोला है उन्होंने कि रिड्यूस दिस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो क्या दिया रखा है हमको वन अपॉन जो भी हमें पूरा का पूरा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हो उसको हमें जेड मान लेना होता है, तो जेड मानेंगे इसको, z इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 4i, 1 अपॉन 1 माइनस 4i माइनस 2 अपॉन 1 प्लस i, इसको तो एक ब्रैकेट को बंद कर दिया, अगले ब्रैकेट में दिया 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i, 5 प्लस i, तो इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ए प्लस आई बी, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसमें कन्वर्ट करना है, मतलब ए अलग हो जाए और बी अलग हो जाए, आई वाला टर्म अलग हो जाए, ऐसे करना, तो क्या करेंगे ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम जब बिल्कुल अलग अलग टर्म्स होती हैं तो एलसीएम कैसे लिया जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ एलसीएम कैसे होगा वन माइनस फोर आई इंटू वन प्लस आई, ठीक है, अब 1 प्लस आई को इधर 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आई, बीच में माइनस का साइन आ जाए तो उस 2 को 1 माइनस 4i में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 4i, ये तो इसका एलसीएम होगा, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो, और दूसरा ब्रैकेट क्या है 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i, इसको अभी छेड़ेंगे नहीं ऐसे ही रहेंगे, z इज इक्वल टू, अब यहाँ न्यूमरेटर में क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस i माइनस टू इंटू वन माइनस टू माइनस टू इंटू माइनस फोर आई प्लस का एट आई अपॉन, अगर इनको एक्सपेंड करेंगे तो वन इंटू वन कितना हो गया वन, वन इंटू आई हो गया प्लस का आई, माइनस फोर आई इंटू वन कितना हो जाएगा माइनस फोर आई, और माइनस फोर आई इंटू प्लस आई ये हो जाएगा माइनस फोर आई स्क्वायर, और ये थ्री माइनस फोर आई अपॉन फाइव प्लस आई,
अब देखिए 1 माइनस 2 कितना हो गया माइनस 1, और i प्लस 8i कितना हो गया 9i, माइनस 1 प्लस 9i अपॉन 1, और i माइनस 4i कितना हो जाएगा माइनस 3i, और माइनस 4 इंटू आई स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i. z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 9i अपॉन ये माइनस 4 इंटू माइनस 1 बन जाएगा प्लस का 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, 5 माइनस 3i और ये न्यूमरेटर में 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i. अब क्या करिए, अब इसको भी एक्सपेंड करिए, और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा. देखना जरा, माइनस 1 इंटू 3 जेड इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस 1 इंटू माइनस 4i प्लस का 4i, 9i इंटू 3 प्लस का 27i, और 9i इंटू माइनस 4i माइनस का 36i स्क्वायर. डिनोमिनेटर में 5 इंटू 5 इज 25, 5 इंटू i इज 5i, माइनस 3i इंटू 5 इज माइनस 15i, और माइनस 3i इंटू i इज माइनस 3i स्क्वायर. देखिए ये जो माइनस 36 है, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो माइनस 36 इंटू माइनस 1 सीधा प्लस 36 हो जाएगा. प्लस लिख रहा हूँ शुरुआत में, माइनस 3 प्लस 36 जेड इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 36 ये हो गया, और 4i प्लस 27i कितना हो गया 31i, 4i प्लस 27i कितना हो गया 31i. उसके बाद डिनोमिनेटर में देखिए ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो प्लस 3 हो गया 25 प्लस 3 शुरुआत में लिख दीजिए 25 प्लस 3, और 5i माइनस 15i कितना हो जाएगा माइनस का 10i, तो z इज इक्वल टू कितना हो गया 33 प्लस 31i अपॉन 28 माइनस 10i. फिर वही है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, नॉर्मल फॉर्म में आ गया, हम ये कहेंगे नहीं आया अभी भी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 28 माइनस 10i दिखाई दे रहा है, तो इसको रैशनलाइज करेंगे कैसे, 28 प्लस 10i से नीचे मल्टीप्लाई, और 28 प्लस 10i से ही ऊपर मल्टीप्लाई. तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको, z इज इक्वल टू, अच्छा एक काम करो, एक काम करिए, अभी मल्टीप्लाई मत करो, हमें डिनोमिनेटर में से आई का टर्म हटाना है, तो हम पहले सोचेंगे कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, पर 28 और 10 में से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाला जा सकता है, तो डिनोमिनेटर में 2 कॉमन ले लो, 33 प्लस 31i तो न्यूमरेटर में हो ही गया, डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 14 माइनस 5i, ठीक है. अब क्या करिए, अब 14 प्लस 5i से नीचे मल्टीप्लाई करो, और 14 प्लस 5i से ही ऊपर मल्टीप्लाई करो, ये करना है, ठीक. तो z इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी, 14 इंटू 33, 14 थ्री ज़ा 42, 4 कैरी, 14 थ्री ज़ा 42 और 4, 46, 462 आ गया, ठीक है. फिर 5i इंटू 33, तो 5 थ्री ज़ा 15, 5 थ्री ज़ा 15 और 165 i, ठीक. तो 33 पहले दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, अब 31 को दोनों से करेंगे, तो 14 वन कैरी, 14 थ्री ज़ा 42 और 1, 43, 4, 34 i, ठीक. उसके बाद 5 इंटू 31 जब ये करेंगे क्या हो जाएगा, ये ऑनलाइन वालों को शायद दिखाई भी देगा, तो नीचे लिख रहा हूँ उसको मैं, प्लस 5 वन ज़ा 5 और 5 थ्री ज़ा 15, 155 i इंटू i मतलब i स्क्वायर, और अपॉन में इधर 2 तो है ही, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी,
यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, लेकिन जब ए माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं इसको, तो 14 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, सीधे सीधे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, आई हटा दो उसमें से और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये z की वैल्यू क्या हो गई, न्यूमरेटर में आपके देखेंगे 462 है तो और 155 आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का होती है तो माइनस का 155, ठीक है, और 165 आई प्लस 434 आई तो 5 प्लस 4 इज 9, 6 प्लस 3 इज अगेन 9 और 1 प्लस 4 इज 5, 599 आई अपॉन ये तो यहाँ पर है ही, और 14 का स्क्वायर इज 196 और प्लस 5 का स्क्वायर इज 45, इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए इसको 462 में से 155 को, तो 12 माइनस 5 इज 7, इधर 5 बच गया, 5 माइनस 5 इज 0 और आपका 4 माइनस 3 307 प्लस 599 आई अपॉन 196 प्लस 25 कितना हो जाएगा 225 का ही 6 प्लस 5 11 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 9 10 प्लस 2 12 1 कैरी आ गया, तो 1 और 1 2 into 2 21, ठीक है। तो z की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 307 प्लस 599 आई अपॉन 2 1 0 2 2 4 2 2 4, देखना पीछे ये जा रहा है आपसे, देखो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 चलिए जी। इसके बाद अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, उन्होंने बोला इफ x माइनस आई वाई इज इक्वल टू दिस, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये करना है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक तो है, 2 से डिवाइड हो रहा है ऊपर नीचे, 2 4 8 2 4 8 और 2 2 4 और 2 3 6 और 307 है ना, तो 307 ही आ रहा है तुम्हारा भी, और फिर इधर कितना है 599 हाँ 600, ठीक तो है, सिंप्लीफाई कर लो बस, ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ तो ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर अब जैसे निकाला है ना आंसर तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना बस। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 x माइनस आई वाई की वैल्यू ये दे रखी है, वो बोल रहे हैं कि आपको प्रूव करना है, प्लस आई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा इसका जो दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है कि अगर आपको ये दे रखी है इक्वेशन तो आप सीधा सीधा इस इक्वेशन में कहिए कि टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा, नहीं तो अगर आप इसी को पहले सोचो कि मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में बनाऊं और बनाने के बाद में फिर मैं x प्लस आई वाई के साथ देखिए ये तो समझ में आ गया
कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा? एक्स माइनस आई वाई में एक्स प्लस आई वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। आप इसमें क्या करें, जैसे ये इक्वेशन दे रखी है ओरिजिनल, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर वन, इसके सॉल्यूशन में आप ये कहिए कि टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन वन। भाई कंजुगेट करने का मतलब क्या होता है कि आपको जो भी आई वाला टर्म है, इमेजिनरी वाला टर्म है, उसका साइन बदल दीजिए, उसको कहते हैं कंजुगेट लेना। तो जो इधर x माइनस आई वाई है ये क्या हो जाएगा, प्लस आई वाई, और इधर माइनस आई बी है तो ये प्लस आई बी बन जाएगा, अंडर रूट ए प्लस आई बी अपॉन डिनोमिनेटर में सी प्लस आई बी, ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर टू बोल दिया। ठीक है, बस इतना सा करना है और उसके बाद आप क्या करिए कि मल्टीप्लाई इक्वेशन वन एंड टू, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन और टू दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब एक्स माइनस आई वाई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई बी इंटू अंडर रूट ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई बी, ये हो गया। तो एक्स माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, जब अंडर रूट में एक टर्म होता है, अंडर रूट में दूसरा टर्म होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉमन अंडर रूट लगा देते हैं। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी क्या होता है, अंडर रूट ए बी। तो इसका मतलब क्या है कि आप एक कॉमन अंडर रूट लगाएं और दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा ए माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी इंटू सी प्लस आई डी, ये हो गया। इसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट स्टेप लिखें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। क्यों कर रहा हूँ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ का स्क्वायर रूट हटाना चाह रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो लिखिए मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर स्क्वायर रूट हट जाएगा, और ए माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे नीचे सी माइनस आई डी इंटू सी प्लस आई डी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। तो दोनों पार्ट्स नहीं करा रहा हूँ, कोई एक कराऊंगा, बता दो फिफ्थ में, फिफ्थ का कौन सा कराऊँ, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट, फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा, जो भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा होता है उसको जेड दे लेते हैं, जेड इज इक्वल टू वन प्लस सेवन आई अपॉन टू माइनस आई का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है, अभी नोट करिए, बस मैं दो मिनट का रहा हूँ। चाहे तो ट्राई कर लो इसको, पहले नॉर्मली ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर पोलर फॉर्म में। अभी आ रहा
देखिए जेड इज इक्वल टू 1 + 7i माइनस आई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर + i का स्क्वायर माइनस 2 × 2 × i ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये लगा रहे हैं तो z इज इक्वल टू हो गया 1 + 7i अपॉन 2 का स्क्वायर = 4 i का स्क्वायर इज माइनस 1 माइनस 2 × 2 = 4i तो z इज इक्वल टू हो गया 1 + 7i 4 − 1 = 3 3 − 4i और डिनोमिनेटर में 3 − 4i मिल रहा है तो मैं हमेशा डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करता हूँ ठीक है तो अब क्या करेंगे इसको a + ib के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैंने 3 + 4i से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और 3 + 4i से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी देखिएगा z इज इक्वल टू 1 × 3 = 3 1 × 4i = 4i 7i × 3 = 21i और 7i × 4i = 28i² अपॉन ए माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ये हो गया 3² + 4² का मतलब क्या हो गया -28 तो 3 − 28 और 4i + 21i कितना हो गया 25i डिनोमिनेटर में a² + b² 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 9 + 16 = 25 z is equal to -25 तो z की वैल्यू आ गई -1 + i × 1 ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई रेक्टेंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको लिखिएगा कंपेयर इट विद z is equal to a + ib तो a की वैल्यू कितनी हो गई -1 और b की वैल्यू कितनी हो गई +1 a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई इसके बाद क्या करना है हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका r निकालेंगे r कैसे निकलता है √a² + b² √a² + b² r is equal to under root -1 का स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर भी 1 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 तो r की वैल्यू क्या हो गई अंडर रूट 2 r की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2 उसके बाद क्या करना है अब निकालना है मेरे को थीटा थीटा निकालने से पहले निकालूंगा अल्फा अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स मॉडुलस ऑफ बी अपॉन ए तो टैन इनवर्स बी कितना है 1 और ए कितना है -1 तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी साइन अल्फा ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी cos अल्फा तो sin अल्फा क्या दिखाई दे रहा है पॉजिटिव और cos अल्फा दिखाई दे रहा है नेगेटिव sin पॉजिटिव हो और cos नेगेटिव हो ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है सेकंड क्वाड्रेंट sin पॉजिटिव cos नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लेते हैं थीटा इज इक्वल टू यहां पर sin पॉजिटिव है और cos नेगेटिव है तो हम ये कहेंगे अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट
So theta is equal to 180 minus alpha. तो भाई थीटा क्या हो जाएगा 180 माइनस और अल्फा ये था टेन इनवर्स बी अपॉन ए. अब इसको सिंप्लीफाई करिए टेन इनवर्स 1 अपॉन माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1 का मॉड क्या हो जाएगा प्लस 1 तो टेन इनवर्स 1 हो गया. टेन के टेबल में 1 कहाँ पर आता है 45 डिग्री पर. थीटा की वैल्यू क्या हो गई 180 माइनस 45 180 में से 45 जाएगा कितना बचेगा बोलो 135 डिग्री. इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी 3π/4. ठीक है समझ गए. अब ये करने के बाद में सो इन पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा. तो z इज इक्वल टू अंडर रूट 2 cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4. ठीक है जी. इसका सेकंड पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ अपने आप करना पोलर फॉर्म वाला. फिर है सॉल्व ईच ऑफ द इक्वेशन इन एक्सरसाइज 6-9. तो 6, 7, 8, 9 ये चारों भी मैं छोड़ रहा हूँ, ये भी अपने आप करना है. चारों छोड़ रहा हूँ, ये अपने आप करने वाले से 6, 7, 8, 9 चारों के चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखा होगा बहुत आसान है, सीधा सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा कर करना है इसको. ठीक है तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है भाई, ये वाला क्लियर. इसके बाद देखिएगा अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पर. If z1 is equal to 2 minus i and z2 is equal to 1 plus i, and z2 is equal to 1 plus i, z1 is equal to 2 minus i, z2 is equal to 1 plus i, find the modulus of z1 plus z2 plus 1. Plus z2 plus 1 upon z1 minus z2 plus 1. z1 minus z2 plus 1. ये हमें find out करना है. तो पहले mod के अंदर देखिए सारी चीजें. z1 कितना है 2 minus i. z2 कितना है 1 plus i और plus 1. Upon z1 minus z2 तो z1 है 2 minus i. और माइनस z2 जब नेगेटिव साइन होता है तो एक बार ब्रैकेट लगा देते हैं 1 प्लस i और प्लस 1 मॉड 2. अच्छा माइनस i और प्लस i कैंसिल आउट हो गया 2 प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 माइनस i माइनस 1 माइनस i प्लस 1 और ये मॉड प्लस. अब ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया 4 अपॉन 2 माइनस माइनस आई माइनस आई माइनस आई कितना हो गया माइनस 2 आई. अब डिनोमिनेटर में क्या करिए, डिनोमिनेटर में ले लो 2 कॉमन तो ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस आई 2 1 2 2 2 4 तो ये मेरे पास आ गया 2 अपॉन 1 माइनस आई. ये क्या है, ये मॉडुलस के अंदर है. तो आप क्या करिए इधर ही 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करो नीचे और ऊपर भी 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करो और फिर मॉडुलस को क्लोज करो. ठीक है ये क्यों करा है, डिनोमिनेटर में से आई वाला टर्म हटाने के लिए रैशनलाइज करो. तो 2 इंटू 1 प्लस आई तो 2 इंटू 1 इज 2 एंड 2 इंटू आई इज 2 आई तो 2 प्लस 2 आई अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है. तो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
भाई आई के साथ यहाँ पर वन माइनस आई का मतलब क्या है, वन माइनस वन आई, वन प्लस वन आई, तो ए हमारा वन है और बी भी वन है, समझ गए, तो वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। अच्छा इसका मॉड मॉडुलस लगा रखा है सभी के आगे, तो ऊपर है हमारे पास टू प्लस टू आई, तो उसमें से टू लेगा पानी, ब्रैकेट में क्या बचेगा, टू इंटू वन प्लस आई, वन का स्क्वायर इज वन, वन का स्क्वायर इज वन, वन प्लस वन टू, डिनोमिनेटर में भी टू, मॉडुलस टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो अब अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया, वन प्लस आई इंटू वन का मॉड, मॉड आ गया। मॉड का मतलब क्या है कि इसका स्क्वायर करो, रियल पार्ट का स्क्वायर करो, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो और अंडर रूट करो। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मॉडुलस का मतलब यही होता है आर, है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है मॉडुलस का मतलब। तो इसका मतलब है सीधा सीधा अंडर रूट इस वन का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट वाला जो है कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर मतलब वन प्लस वन टू, अंडर रूट टू, इसका रिजल्ट है टू। चलिए जी इसके बाद ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, 10 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, इफ ए प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये तो दे रखा है, वो बोल रहे हैं प्रूव दैट a square plus b square is equal to a square plus b square is equal to x square plus 1 का whole square x square plus 1 का whole square upon 2x square plus 1 का whole square। ये चीज प्रूव करनी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस आई बी को ए माइनस आई बी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो दे रखा है इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर वन, देखिएगा टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन वन, कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन वन ऑन बोथ साइड्स, तो a प्लस आई बी का क्या हो गया a माइनस आई बी, और x प्लस आई का होल स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा x माइनस आई का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कोई i वाला टर्म नहीं है तो वो जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा, तो वो 2x स्क्वायर प्लस 1 का 2x स्क्वायर प्लस 1 था तो 2x स्क्वायर प्लस 1 ही रहा इक्वेशन नंबर 2। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा, इक्वेशन वन और टू को दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा सीधा लिखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन वन और टू, इक्वेशन वन और टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, तो ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी a plus ib into a minus ib is equal to x plus i ka whole square upon 2x square plus 1 into x minus i ka whole square upon 2x square plus 1, ye ho gaya। तो left hand side में क्या आ जाएगा, a plus ib into a minus ib क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, वो तो सीधा सीधा ये तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
अच्छा अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर करते हैं, तो उसको ए बी का होल स्क्वायर बोला जा सकता है, ए बी का होल स्क्वायर। तो ऐसे ही एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस आई का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर, इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई, ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई इंटू वन है, ऐसे ही एक्स माइनस आई इंटू वन है, तो रियल पार्ट तो एक्स हो गया और इमेजिनरी पार्ट क्या है, वन और वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर हो गया, सीधे सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर क्या हो गया, वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना था, ठीक है। ये प्रूव हो गया, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 तक आप कर सकते हैं, आगे के तीन चार क्वेश्चन हैं 16 से लेकर 20 तक हैं, ये मैं करवा दूँगा आपको, अगर ट्राई करना चाहें तो 16 भी हो सकता है आपसे, लेकिन करना ट्राई, आप लोग ऐसे ही आ जाते हो, कह देते हो कि यहाँ कोई डाउट नहीं है, किसी ने करा दिया काम, काम कराए, मिसलेनियस एक्सरसाइज करी लिए, मिसलेनियस करिए, क्योंकि वो स्कूल में ये होगा कि वो मिसलेनियस को ना मतलब बस कह देंगे कि आप कर लो, करवाएंगे नहीं, और आप ये समझ लीजिए कि पेपर इसी में से बनता है, मिसलेनियस में से ही बनता है, तो इम्पोर्टेंट सिर्फ फर्स्ट आ रही है, चलिए कोई बात, तो कर लो इसको, प्रैक्टिस ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए जी, आज फिर इतना ही करते हैं। ओके। इसके बाद फिर सीक्वेंस एंड सीरीज करना ना स्टार्ट, हाँ, बाइनोमियल परमुटेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, हाँ, इनइक्वालिटीज तो आसान से ही हो जाएगा, एक ही तो एक्सरसाइज आ रही है ना उसके द्वारा, अच्छा सेट में है वीडियो, हाँ हाँ मैंने वीडियोस भेजी थी, तो करा नहीं उसमें से, करा नहीं अभी, अच्छा तो एक बार ट्राई करना, जो डाउट्स हैं वो लेकर आना, ठीक है ना, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा, चलिए ओके।